बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे टॉपिक इज कंप्यूटर एप्लीकेशन टू मैनेजमेंट। आई एम इंजीनियर राइल सर्वर, यूनियन इंस्ट्रक्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज व्हाट इज अ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर इन इट ऑन मेमोरी यूनिट एंड कैन एक्सेप्ट डेटा and multiplication of data and produce information from the processing. Generally, this term is used to describe a collection of devices that function together as a system. The word computer is come from the word compute, which means to calculate. अच्छा, सबसे पहले डिस्कस किया जाता है कि कंप्यूटर है क्या। यहाँ की जो फर्स्ट लाइन है उसमें डिफाइन किया गया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि आप सब जानते हैं जो यूज नॉर्मली यूज कर रहे हैं हम। सेकेंडली, ये ऑपरेट कर रहा होता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर, जो आप इस पे स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प की मदद से। आप वो सॉफ्टवेयर चाहे कोई भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर आपके वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, वो आपके स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर हो सकता है। और सेकेंडली, वो स्टोर कर रहे होते हैं अपनी मेमोरी यूनिट में वो डेटा जो आपसे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं आपकी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल, इनपुट में आपकी वहाँ टेक्स्ट भी हो सकता है, इनपुट्स में आपकी वीडियोस भी हो सकती हैं, इनपुट्स में आपके ऑडियोस भी हो सकते हैं। देन जब डेटा इनपुट होने के बाद उसको प्रोसेसिंग करेगा और प्रोड्यूस करेगा इन्फॉर्मेशन आपके सामने, आउटपुट जो उसका रिजल्ट आएगा वो आउटपुट की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगा। अब आउटपुट की फॉर्म की अवेलेबल होने के लिए आपके पास मॉनिटर होगा, आपके पास स्पीकर्स होंगे, आपके पास प्रिंटर होगा और डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस में आपको मिलेगा। जनरली जो इसको यूज किया जाता है, डिस्क्रिप्शन में यूज किया जाता है, कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस होती हैं जो एक फंक्शन टुगेदर इन अ सिस्टम, जो नॉर्मली बस में साथ काम कर रहे होते हैं। सेकेंडली, कंप्यूटर जो वर्ड से वो लैटिन वर्ड से जो निकला है कंप्यूट से, जिसके मीनिंग से कैलकुलेट। सेकेंड क्वेश्चन जो आज रेज हो रहा है वो है व्हाट डज अ कंप्यूटर डू, यानी कंप्यूटर क्या कर सकता है हमारी जिंदगी के लिए और हमारे लिए जिंदगी कंप्यूटर का क्या चीजें हो सकती हैं। कंप्यूटर इज कैन प्रोड्यूस परफॉर्म अ फोर जनरल ऑपरेशन विच कंपेयर द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। जो हमारा कंप्यूटर है वो चार चीजों की प्रोसेसिंग कर सकता है, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। इसका सिंपल सा इसे इस तरह इसका जो लाइफ साइकिल है उसका, सबसे पहले आप इनपुट है, अगर आप कोई भी डेटा उसको इनपुट के थ्रू आप उसे अवेलेबल कराएंगे या जो आप डेटा का शेयर करेंगे, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उस पर एक्शन परफॉर्म करेगा आपके आउटपुट में और उसको स्टोर करने करेगा आपकी जो स्टोरेज डिवाइसेस लगी हुई हैं आपके सिस्टम में उसमें। अच्छा, थर्ड जो क्वेश्चन आज रेज हो रहा है वो है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ऑल कंप्यूटर विल प्रोसेस रिक्वायर्ड डेटा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स, फिगर्स, सिंबल्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, इमेज, वीडियोस, साउंड्स एंड गिव टू द कंप्यूटर ड्यूरिंग द इनपुट फेसेस। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करने के लिए डेटा की जरूरत होती है और डेटा जो है वो एक रॉ फॉर्म में होता है, चाहे वो फिगर्स हो, सिंबल्स हो, नंबर्स हो, वर्ड्स हो, इमेजेस हो, वीडियोस हो, साउंड्स हो, वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह कंप्यूटर के थ्रू इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। देन सेकेंड स्टेप में आपका जो सिस्टम है वो उनको डेटा को प्रोसेस करेगा, यानी प्रोटेक्ट करेगा डेटा को। कहा कंप्यूटर मल्टीप्लीट डेटा टू करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जो आप जिसको डेटा मिल रहा होगा वो उसको कन्वर्ट करेगा इन्फॉर्मेशन में, यानी डेटा से जो उससे जो रिजल्ट अवेलेबल होगा उसको कन्वर्ट करेगा इन्फॉर्मेशन में, जिसे हम कह सकते हैं सिंपली इन्फॉर्मेशन इज अ डेटा दैट ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल एंड यूजफुल। अच्छा, यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एक सिंपल सा डेटा है और जो उसके सिंपल सा डेटा है जो ऑर्गेनाइज होगा, मीनिंगफुल होगा और यूजफुल होगा। जैसे कि हम डेटा जो नॉर्मली आपके पास अवेलेबल होता है आप वो नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, वो उसके लिए नहीं पता। अब जैसे कि 24 फॉर एग्जांपल आज की डेट है, तो मैं अभी 6 से 0 7
2020, अब इसके मीनिंग्स नहीं कंफर्म हो पाए। फॉर एग्जांपल अगर अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि 20 जुलाई, 7th month, 2020 ईयर्स, डेट्स मीन्स इसे आप इजीली को डिफाइन कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द आउटपुट फेज द इंफॉर्मेशन हैज बी क्रिएट इज पुट इनटू द सम फॉर्म सच एज अ प्रिंट रिपोर्ट। जो ड्यूरिंग द आउटपुट फॉर ये जो हमें रिजल्ट्स मिल रहा होता है इंफॉर्मेशन का, वो हमें डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स में मिल रहा होता है। लाइक आपको प्रिंट की फॉर्म में मिल रहा होता है, वो आपकी साउंड जनरेशन की फॉर्म में आपको मिल रहा होता है, वो आपकी वीडियो प्रोडक्शन की फॉर्म में आपको मिल रहा होता है, वो आपके डिस्प्ले पे आउटपुट की जो लाइव एनवायरनमेंट है उसके साथ में भी मिल रहा होता है। द इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी पार्ट पुट इन द कंप्यूटर स्टोरेज फ्रॉम फ्यूचर यूसेस। अच्छा, जो इंफॉर्मेशन है हम उसको अपने कंप्यूटर में स्टोर करते हैं ताकि हम उसको आगे चल के डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए या डिफरेंट टाइप्स की क्यू प्रोसेसिंग करने के लिए उसको यूज कर पाए। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक इमेज ली है कैमरा के थ्रू, तो आप उसके इमेजेस को आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइम्स को उससे डेटा गैदरिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपने वहाँ पर एक वर्ड की फाइल है, वर्ड की फाइल के अंदर आपने कीवर्ड्स लिख दिए हैं 100+, तो आप उस 100 कीवर्ड्स को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफरेंट टाइप जगहों पर आप यूज कर सकते हैं। सिंगल टाइम भी यूज करते हैं, मल्टी टाइम भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि व्हाई इज अ कंप्यूटर सो पावरफुल। कंप्यूटर इतना सो पावरफुल क्यों है? एबिलिटी टू परफॉर्म द इंफॉर्मेशन, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो परफॉर्मेशन जो है इसको परफॉर्म कर रहा होता है, वो इंफॉर्मेशन को परफॉर्म कर रहा होता है साइकिल के ऊपर, और भी अमेजिंग स्पीड्स के साथ। यानी कि आप जो भी इसको डेटा दे रहे होते हैं उसको बड़ी तेजी के साथ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माइंड में प्लस कर रहे होते हैं 2 digit, 4 digit, 6 digit, 8 digit, तो आप काउंट इजी कर पाएंगे। जब आपके डिजिट्स बढ़ते जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, पर कंप्यूटर की केस में ये नहीं, अवेलेबल नहीं होता। वहाँ पे आप ट्रिलियंस और बिलियंस का भी अगर कैलकुलेशन करना चाहते तो विद इन मिनी सेकेंड्स में आप कर सकते हैं। सेकेंडली ये रिलायबल होता है, हाँ इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। सेकेंड, एबिलिटी टू स्टोर ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। आप इसको यूज कर सकते हैं कि ह्यूज अमाउंट, यानी कि काफी सारा डेटा यूज कर सकते हैं जो स्पेसिफिकेशन फील्ड्स के लिए आप अगर वहां पे डालना चाह रहे हैं या भी स्टोर करना चाह रहे हैं। सेकेंडली उसमें इंफॉर्मेशन भी आप स्टोर कर सकते हैं। लिबर्टी टू कम्युनिकेशन विद अदर कंप्यूटर्स, आप इसको यूज कर सकते हैं कि एक कंप्यूटर से रابطे करने के लिए सेकेंड कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जिसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इस वक्त वो आपके सामने अवेलेबल है, वो है ऑनलाइन क्लासेस है। सेकेंड, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अरेज हो रहा है वो है हाउ डज कंप्यूटर नाउ व्हाट टू डू, यानी कंप्यूटर कैसे पता चलता है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। इट्स मस्ट टू बी गिवन अ डिटेल लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर दैट टेल इज एक्जेक्टली व्हाट टू डू। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि हमें एक लिस्ट चाहिए होती है इंफॉर्मेशन की या इंस्ट्रक्चर की, जिसको हम सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहते हैं, जो उनको डिफाइन करता है कि आपको क्या अवेलेबल करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक वर्ड की फाइल बनाई है, तो वर्ड की फाइल में हम डिफाइन करेंगे कि हमें क्या क्या क्यूरीज पे वर्किंग करनी है, हमें उसके फाउंट्स क्या हो, कौन से रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें उसकी टेक्स्ट साइज कौन सी रखनी है, हमें उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसको किस तरह मेंटेन करना है, उसको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। बिफोर आ प्रोसेसिंग आ स्पेसिफिकेशन जॉब द कंप्यूटर हैज क्रॉरेस्पॉन्डिंग टू द डेट जॉब्स वी मस्ट इंस्टॉल इन मेमोरी। जब आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं उसके बाद ये कंप्यूटर आपके रिस्पॉन्स कर रहा होता है आपके सिस्टम के साथ, मेमोरी के साथ, और उसको साथ साथ वो स्टोर भी करते जा रहा होता है। वन टाइम जब स्टोर वंस आ द प्रोग्राम इज स्टोर इन द मेमोरी कंप्यूटर कैन स्टार्ट द ऑपरेशन बाय एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्चर वन आफ्टर द अदर। जब एक बार आप अपने मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर कर देते हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर देता है इंस्ट्रक्चर को वन बाय वन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वहाँ पे 2 को का यह टेबल जनरेट किया है, तो वो 2 plus 2, 2 plus 2 plus 2, 2 plus 2, 2 plus 4, 2 plus 3 plus 6, इस टाइप से वो कंटिन्यू वैल्यूज के आती रहेगी जब तक आप उसको स्टॉप को या कंडीशन प्रोवाइड ना करें।
What are the primary components of a computer? जैसे कि आप ये जानते हैं कि इसका प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे प्राइमरी कंपोनेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली इनपुट डिवाइसेस होती हैं, हाँ सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसे हम सीपीयू कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में आप इसको अल्गोरिथम यूनिट भी कह सकते हैं और लॉजिकल यूनिट भी कह सकते हैं। थर्ड स्टेप पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड अल्गोरिथम यूनिट्स या लॉजिकल यूनिट्स। मेमोरी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है। नॉर्मली आपके पास इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं वो आपका कीबोर्ड है, वो आपका हाँ माइक है, वो आपका कैमरा इनपुट डिवाइसेस है। सेकेंडली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रलिंग सेंसर जो आपका नॉर्मली इसको आप ऑल इन वन में अगर कहा जाए तो वो आपका सीपीयू होता है। उसके अंदर आपकी रैम लगी हुई होती हैं, उसके अंदर आपके ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए होते हैं, प्रोसेसर लगा हुआ होता है, उसके अंदर बस डिवाइसेस अगर लगी हुई होती हैं। थर्ड इसकी मेमोरीज, जो ये डेटा स्टोर कर रहा होता है वो रैम और रोम में स्टोर कर रहा होता है। इसके बाद जो फोर्थ जो स्टेप इसका है वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल आउटपुट डिवाइसेस कौन सी अवेलेबल होती हैं, जैसे कि अगर आपको कोई प्रिंट आउट चाहिए आपको, यानी कि हार्ड कॉपी में जो टेक्स्ट आपने जो जनरेट किया है वहाँ पर वर्ड फाइल में, आप उसको हार्ड कॉपी में लेना चाह रहे हैं तो वो डिवाइसेस फॉर्म में आ जाएगा। सेकेंडली जो आउटपुट डिवाइस वो स्पीकर की फॉर्म में हो सकता है, यानी जो आपने साउंड जनरेट किया, जो वेब जनरेट की हुई है आप उसको सुनना चाह रहे हैं तो आप उसको साउंड में प्ले कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपकी स्टोरेज डिवाइसेस, यहाँ पर बेसिकली बहुत सी स्टोरेज डिवाइस यूज हो रही होती है। नॉर्मली आप वहाँ पर जो स्टोरेज डिवाइस यूज हो रही थी जिसके अंदर आपकी हार्ड ड्राइव है, इसके आपके कीबोर्ड्स हैं, पेन हार्ड सॉरी हार्ड ड्राइव्स हैं, यूएसबीज हैं, पेन ड्राइव हैं, सीडीज हैं, डीवीडीज हैं, और इससे पहले काफ़ी यूज हो रही होती थी फ्लॉपीज वगैरह टाइप की, कोई काफ़ी स्टोरेज डिवाइस में होती थी। अच्छा आप सबको यहाँ पर वो हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की स्टार्टिंग कौन है, यानी आपके हम किसे फादर ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। चार बेबेज इज द इट वॉज द इन 2083 is a famous Englishman, Charles Babbage, built a mechanical machine to the complex mathematical calculation. जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने 1823 में एक मैकेनिकल मशीन बनाई जो सॉल्व कर सकती थी डिफरेंट टाइप्स के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वगैरह। इट्स कॉल्ड अ डिफरेंट इंजन्स later to develop a general purpose calculation machine is called analytical engine. जो उन्होंने इसे आप डिफरेंट टाइप के इंजन कह सकते हैं जो आगे चल के इसे डेवलप किए जनरल पर्पज के लिए कैलकुलेशन के लिए, उसको एनालिटिकल इंजन भी कहते हैं हम। यू शुड बी नाउ द चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, जिसे आप जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। देन जो आप कंप्यूटर एक साथ यूज कर रहे हैं वो मैकेनिकल कंप्यूटर नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। जो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट लाए थे वो हैरी एडवर्ड रॉबर्ट्स थे, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था हम जिसे कह सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर। जो आप इस वक्त यूज कर रहे होते हो, शायद आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, वो आपके कीबोर्ड आपका सर्वर सिस्टम हो, वो आपके पास लैपटॉप हो, जो यहाँ तक आपके मोबाइल्स वगैरह भी इसी में आ जाते हैं। He released the Ultra 800 in 1974. उन्होंने सबसे पहले अल्ट्रा के नाम 800 जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1974 पे। अब डिस्कस करते हैं हार्डवेयर्स क्या होते हैं। हार्डवेयर इज द फिजिकल एक्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन एंड अदर डिवाइसेस। हार्डवेयर एक फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जिसे आप टच कर सकते हैं इजीली, चाहे वो आपके कंप्यूटर की डिवाइसेस हों, वो आपके टेलीकम्युनिकेशन की डिवाइसेस हों, वो आपके अदर डिवाइसेस हों, उनको हार्डवेयर कहते हैं। इट्स डस नॉट इंक्लूड ओनली योर कंप्यूटर पेपर बट इट आल्सो केबल कनेक्टर्स
पावर सप्लाई यूनिट्स, प्रिपरेशन डिवाइसेस सच एज अ कीबोर्ड, माउस, ऑडियो स्पीकर्स एंड प्रिंटर्स। अच्छा, इसमें सिर्फ आपके कंप्यूटर की जो प्रॉपर डिवाइसेस जो बोर्ड्स वगैरह वो इंक्लूड नहीं होते, इसके साथ साथ आपकी केबल्स इंक्लूड होती हैं, आपके कनेक्टर इंक्लूड होते हैं, आपकी पावर सप्लाई यूनिट्स इंक्लूड होते हैं, आपके कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, प्रिंटर वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं। अच्छा, जब बात की जा रही है टाइप ऑफ हार्डवेयर, अब बेसिकली दो टाइप्स के हार्डवेयर होते हैं, एक इंटरनल हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक्सटर्नल हार्डवेयर होता है। इंटरनल हार्डवेयर को हम को आल्सो कॉल्ड कंपोनेंट्स कहते हैं हम, जैसे कि जो इंटरनल हार्डवेयर है हम उनको कंपोनेंट्स कहते हैं, इट्स कंडक्ट सीपीयू, मॉनिटर, रैम एंड रोम। जैसे कि सीपीयू है, मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, हम इसको इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। What is a CPU? The central processing unit. It is the brand of a computer. ये computer का brand है जो आपकी जितनी भी queries है उनको solve कर रहा होता है। जैसे कि आप अपने कोई mind में कोई चीज सोचते हैं, फिर हमसे calculate करके फिर आपको answer provide होता आता कर रहे होते हैं, तो इसी तरह computer भी अपने mind में calculation कर रहा होता है backend पे। The most of calculation take the place here. जितनी भी कैलकुलेशन है वो सीपीयू में होती हैं। अच्छा, देयर आर टू टिपिकल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू आर एल्गोरिथम, लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर दो टाइप के कंट्रोल यूनिट्स होते हैं, एक ALU यूनिट होता है, एक सी यू यूनिट होता है। सी यू यूनिट वो होते हैं वो कंट्रोलिंग यूनिट होते हैं, जैसे कि हम कीबोर्ड, माउस वगैरह को हम उसमें काउंट कर रहे होते हैं, जो उसकी कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं। एल्गोरिथम यूनिट वो हो रहा है जो कैलकुलेशन के, जो मैथमेटिक्स के परफॉर्म कर रहा होता है, एक्सप्रेशन वगैरह कर रहा होता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सीपीयू एक ब्रांड है कंप्यूटर का हमारे, जिसके अंदर सारी कैलकुलेशन हो रही होती हैं। उन कैलकुलेशन को दो टाइप में आप डिवाइड कर सकते हैं, दो यूनिट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एल्गोरिथम लॉजिकल यूनिट डिवाइड करते हैं और एक कंट्रोल यूनिट डिवाइड करते हैं। हाँ, AAU में ये हो रहा होता है कि जो आप उसकी कैलकुलेशन की जितनी भी प्रोसेसिंग जो भी उस वर्क हो रहा होता है वो आप ALU में कर रहे होते हैं। अच्छा, उस वर्क को करने के बाद जो आपको तक ट्रांसमिशन करने के लिए, आपको तक रिजल्ट पहुंचाने के लिए जो कंट्रोल वर्क यूनिट यूज हो रहा होता है उसे हम CU कहते हैं। मदरबोर्ड, इट इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड एक कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड होता है, इसमें आपके सारे कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, इंक्लूड होते हैं। जैसे कि इट्स कंटेन द सीपीयू, मेमोरी, एक्सप्रेशन स्लॉट्स जिसके अंदर आप ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे होते हैं, ऑल कंट्रोलर आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द स्टैंडर्ड हार्डवेयर डिवाइसेस। इसके अंदर आपका पूरा सीपीयू, आपकी मेमोरीज, आपके ग्राफिक्स कार्ड्स, आपके वो कंट्रोलर्स जिसको आपको नीड है आपको यूज करने के लिए, वो सारे मदरबोर्ड में बिल्टन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल USB पोर्ट्स, आपको अल्टरनेट जैक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज द प्लेस इन अ कंप्यूटर वेयर द ऑपरेशन सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड डेटा इन करेंटली यूज एंड कीप। इट इज अ टेम्परेरी मेमोरी, कैन बी स्टोर द कंपेयर अ पर्सनल शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि रैम क्या है। बेसिकली रैम जो है वो कंप्यूटर की कैलकुलेशन या प्रोसेसिंग करने के वक्त जो उसका डेटा होता है उसको स्टोर कर रहा होता है अपने पास। अच्छा, इसको हम शॉर्ट टर्म स्टोरेज भी कहते हैं, क्योंकि यह एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको स्टोरेज कर रहा होता है, जब तक आपका वो प्रोसेसिंग में क्यूरीज आपकी अवेलेबल है। जैसे आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो वहां से इसको रिमूव कर देता है। थर्ड एंड पे रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम। बेसिकली इट इज अ टेक्नोलॉजी डेट अलाउ यू कैन राइट डेटा ओनली वंस, यानी कि आपकी रैम जो होती है उसमें आप एक टाइम वन टाइम में ही डेटा सिर्फ स्टोर कर लेते हैं, एंड आफ्टर द
data has been write on your computer, you can read unlimited time of system. अब यहाँ पे जरा डिफरेंट आप नोट कीजिएगा रैम और रोम में. सिंपल सा रैम क्या है कि हमारे पास एक ऐसी अवेलेबल है जिसपे हम मल्टीपल टाइम डेटा राइट कर रहे होते हैं, डेटा रीड कर रहे होते हैं और शॉर्ट टाइम में हम उसके लिए यूज कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस वक्त डेटा प्रोसेसिंग की जो कैपेसिटी हमारी 8 GB है तो हम 8 GB की रैम यूज कर रहे हैं, जिससे हमारे टास्क अगर हम चाह रहे हैं कि एक वीडियो है हमने उसको एडिट करने के बाद रेंडर पे लगाया, यानी कि वो उसकी वीडियो बन की फाइनल प्रोडक्शन फॉर्म में आ रहा है, तो जब तक उस वीडियो बन रही होगी प्रोसेसर चल रहा होगा तब तक वो उसको यूज कर रहा होगा. इसके बाद जैसे वीडियो आपका प्रोजेक्ट फाइनलाइज हो गया, आपके पास आउटपुट आ गया, तो उसको स्टॉप कर देगा. अच्छा, रीड ओनली मेमोरी में ये हो रहा होता है कि आप एक फर्मवेयर, आप एक सॉफ्टवेयर बिल्टन उसको इंस्टॉल कर देते हैं ताकि वो उन चीजों को मैनेज कर रहा हो. इसमें सिस्टम में सबसे आपके पास बेस्ट एग्जाम्पल वो आपकी बायोस है, और आपके मोबाइल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपकी मोबाइल की रोम है जिसके अंदर यानी कि उनका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है. अच्छा, यहाँ पे आप डिस्कस करते हैं इनपुट हार्डवेयर. इनपुट हार्डवेयर इज कंस्टेंट ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस बाय विच वी गिव इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, एंड कॉमन इनपुट हार्डवेयर आर कीबोर्ड माउस स्कैनर एंड माइक. अच्छा, जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो नॉर्मली एक्सटर्नल डिवाइस तस्वर की जाती हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि इंटरनल डिवाइसेस जो थी, कौन कौन से इंटरनल डिवाइस थी, उसके अंदर रैम थी, आपका सीपीयू था, वो हाँ आपके डिफरेंट ग्राफिक्स कार्ड थे, वो सारे इंटरनल डिवाइस. अब यहाँ पर आपको जब डेटा को एक्सचेंज कर सिस्टम में इनपुट करना होता है तो उसमें काफ़ी और भी डिवाइसेज आ जाती है. नॉर्मली जो इसके कॉमन जो है 3 यूज हो रही होती हैं, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर. इसके अलावा माइक आपके पास यूज हो रहा होता है, इसके अलावा आपके पास कैमरा यूज हो रहा होता है इनपुट डिवाइस के लिए, आपके पास कैमरा यूज हो रहा होता है और काफी डिवाइस है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, आपके पास बारकोड के बारकोड रीडर आ रहा होता है इनपुट डिवाइस के तौर पर, उसको यूज किया जा सकता है. अब बात की जा रही है कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या? कीबोर्ड इज अ सेट ऑफ टाइप राइटिंग लाइक की दैट अलाउ टू एंटर अ डेटा into a computer. Keyboard एक बिल्कुल typewriter की तरह होता है जिसमें आप अपने computer में keys की मदद से, words की मदद से आप data को entry कर रहे होते हैं. For example, अगर आप कोई web open कर रहे हैं, आप Google में जाना चाह रहे हैं, तो आप अपने system को किस तरह उसमें data entry करेंगे कि आपको उसमें Google पे आपको open होता है, आप करेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा उसकी Google Chrome के अंदर, bar के अंदर, वहाँ पे आप टाइप करेंगे www.google.com. Then इसके बाद आता है हमारे पास माउस, जो काफी कॉमनली यूज भी हो रहा होता है. कीबोर्ड और माउस दो बेसिक कॉमनली इनपुट डिवाइसेस हैं जो 80% सिस्टम में अवेलेबल होती हैं. आर डिवाइस दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑफ पॉइंट ऑन आर डिस्प्ले स्क्रीन. माउस एक ऐसी डिवाइस है जो मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है आपके कर्सर की लोकेशन को आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जिससे आप डिफरेंट क्लिक्स की मदद से आप इजीली अपने एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी फाइल को आप कॉपी करते हैं तो आप कमांड लाइन में जाके जब कॉपी करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा होगा, तो वहाँ से आपने राइट क्लिक किया और उसको कॉपी किया और जहाँ पे आपको एग्जिट करना है वहाँ पे पेस्ट पे आपने जाकर पेस्ट कर दिया. देन इसके बाद जो डिवाइसेस आती है वो स्कैनर है. स्कैनर इज अ डेट can be read a text, print on a paper and transmit the information into the form of computer raw data में. Scanner इस तरह का आपके पास available होता है, जो आपके पास data होती है, structured data होती है, जो आपकी images होती हैं उनको convert कर देता है आपकी digital form में ताकि उसको completely easily read कर पाए. अब जैसे कि यहाँ पे हमने बात की कॉमन बात की, कीबोर्ड्स की बात कर ली हमने, माउस के बारे में बात कर ली, स्कैनर के बात कर ली, इसके अलावा माइक है. माइक नॉर्मली अब यूज कर रहे होते हैं जो हमारी वॉइस की जो हमारी वॉइस है उसको हम जब कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, अपने माइक को यूज कर रहे होते हैं. माइक इज द यूज ऑफ द वॉइस लेंथ
यानी कि एनालॉग डेटा जो वहाँ अवेलेबल हो रहा होता अपनी वॉइस के थ्रू वहाँ पे स्टोर कर रहा होता डिजिटल में फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा बार कोड होता है, अब अक्सर आप जाके जब देख रहे होते हैं मार्केट में कोई चीज़ परचेस करते हैं तो उसके पीछे बार कोड होता है, अब जब वो बार कोड स्कैन कर रहे होते हैं तो उनके सामने आपके रेट्स डिटेल्स जो उनके बार कोड के अगेंस्ट क्यूरी जो एक्शन परफॉर्म किया गया होगा वो आपको एक्सप्लेन नजर आ रहा स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है। इसके अलावा एक और डिवाइस है जिसको नॉर्मली कॉमन काफी यूज भी किया जाता है, वो है कैमरा। अगर आप कोई इमेजेस बना रहे हैं तो आप अपने सिस्टम में उसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो इजीली आप कैमरा की मदद से कर सकते हैं, आप वीडियोस को कैमरा की हेल्प से कर सकते हैं। और आजकल इसमें काफी इम्प्रूवमेंट हो गई है, कुछ और डिवाइसेज आई हैं जो सेंसर बेस्ड होती हैं, जैसे कि आपके आईओटी टेक्नोलॉजी आईवीएस, उसके थ्रू आप सेंसर के मदद से भी आप काफी नॉन थिंग्स चीजों का भी डेटा ले सकते हैं। अब बात करते हैं आउटपुट। जैसे कि नाम से ही जाहिर है आउटपुट का मतलब होता है कि आपके सामने डिस्प्ले होना, यानी कि आपको उसका रिजल्ट अवेलेबल होना। आउटपुट डिवाइस आउटपुट हार्डवेयर कंस्ट्रक्ट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। अच्छा आउटपुट होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों अवेलेबल होते हैं। डेट ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर सीपीयू टू अनदर यूजर। द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हार्डवेयर। अच्छा अब यहाँ पर बात की जा रही है कि आउटपुट जो हार्डवेयर वो कंसिडर होते हैं इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं, जो ट्रांसफर इंफॉर्मेशन कर रहे होते हैं एक कंप्यूटर से लेकर अगले कंप्यूटर तक, एक यूजर से लेकर दूसरे यूजर तक, एक सीपीयू से लेकर दूसरे सीपीयू तक। जैसे कि बेसिकली नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं जो आमतौर सिस्टम में जो कंपल्सरी होती हैं वो होती है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। इसके अलावा भी और भी आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे प्रोजेक्टर है आप उसमें यूज कर सकते हैं, आपके जो एलईडीज भी आ जाएगा मॉनिटर के। अच्छा अब यहाँ पर मॉनिटर आर डिस्प्ले स्क्रीन यूज टू प्रेजेंट आउटपुट ऑफ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वीडियोस कैमरास एंड अदर वीडियो जनरेटर्स। अच्छा मॉनिटर है वो आपके सामने की स्क्रीन होती है जिसके थ्रू आपके पास एक कंप्यूटर की वीडियोस आ रही होती है, व्यू अवेलेबल आ रहा होता है, आउटपुट अवेलेबल आ रहा होता है, आपकी वीडियोस चल रही होती हैं, आपके कैमराज वहाँ पे अवेलेबल हो रहे होते हैं, दूसरे टाइप का जो भी वीडियो कंटेंट है इमेजेस टाइप में कंटेंट है वो आपके सामने नजर आ रहा होता है। और बेसिकली जो आजकल काफ़ी टाइप के मॉनिटर्स आ रहे हैं, एलईडी मॉनिटर आ रहे हैं, एलसीडी मॉनिटर आ रहे हैं, जो एलईडी मॉनिटर्स का हम सिंपली लाइट एलिमिनेट डायोड भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हार्ड है वो प्रिंटर। इन कंप्यूटर प्रिंटर इज अ डिवाइस दैट एक्सेप्ट द टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टू पेपर। अच्छा यहाँ जो प्रिंटर होता है हमारा वो प्रिंटर हमें जो हम कंप्यूटर के अंदर जो डिवाइस के अंदर देख रहे होते हैं टेक्स्ट ग्राफिक्स उनको आउटपुट करके देता है हमें, ये ट्रांसमिट करके देता है हमें एक पेपर की फॉर्म में। देन डिवाइस स्पीकर एंड हेडफोन इज द आउटपुट पोर्ट टू हेयरिंग द ऑडियो प्रोडक्शन बाय द कंप्यूटर। अच्छा हमें अपने कंप्यूटर से काफी सॉन्ग सुन रहे होते हैं या कोई भी ऑडियो की प्रोडक्शन करनी होती है बाहर तो हम उसमें स्पीकर या आउटपुट हेडफोन का यूज़ कर रहे होते हैं, यानी हमें गाने सुनने हैं तो हम उस पर हेडफोन यूज़ कर रहे होते हैं, स्पीकर यूज़ कर रहे होते, जो भी साउंड हो कंप्यूटर का उसको प्रोड्यूस किया जाए फॉर्म में। अच्छा यहाँ पर आप उसको तीन तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमारे मॉनिटर है वो हमारे पास इस वक्त अवेलेबल है, हम उसको सॉफ्ट आउटपुट भी कह सकते हैं क्योंकि वो जो भी डेटा होगा ये जो डिस्प्ले आ रहा होगा वो सॉफ्ट फॉर्म में आ रहा होगा, वो फिजिकल फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। देन प्रिंटर है, प्रिंटर का जो भी डेटा हमें आउटपुट मिल रहा होगा वो हमें हार्ड फॉर्म में नजर आ रहा होगा, यानी कि हमें स्क्रीन पे तो नजर नहीं आ रहा होगा, बैकेंड में अपने आपके हाथ पे फील आप कर सकते हो तो उसको टच कर सकते हो। अच्छा स्पीकर है, स्पीकर की जो डेटा जो आउटपुट में हमें जो मिल रहा है इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें एनालॉग फॉर्म में मिलेगा, जो उसकी साउंड जनरेशन की फॉर्म में होगा, वेव्स की फॉर्म में होगा। अच्छा कनेक्टिंग के लिए हार्डवेयर हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं। नॉर्मली कनेक्टिंग डिवाइसेस वी अलाउ हार्डवेयर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट ईच अदर कॉमन
विद ईच अदर, यानी कि आप जो कम्युनिकेट डिवाइस होती है वो अलाउ करती है आपके हार्डवेयर को कम्युनिकेट करें एक दूसरों के साथ। नॉर्मली जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज हो रही होती है वो मॉडियम और लैन कार्ड यूज हो रहा होता है। नॉर्मली जो हम यूज कर रहे थे, जो आजकल आपके घर पर सबके पास 80% अवेलेबल होगा, वो आपके पास मॉडियम अवेलेबल होगा, जिसके थ्रू आप अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, आपके डेटा जितना भी है। देन आप केबल के थ्रू भी डेटा को इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल और भी टेक्नोलॉजी आई हुई है, जैसे कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, आप उसके थ्रू भी डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटा ऑफ एक्सचेंज यूज कर सकते हैं, अल्ट्रारेड है। मोडियम, अच्छा मोडियम कनेक्ट अ पर्सनल एंड पोर्टेबल कंप्यूटर टू द डायल अप नेटवर्क थ्रू आर रेगुलर टेलीफोन लाइन। जो मोडियम हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं वो हमें अपनी पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, जो कनेक्टिविटी हो रही होती है थ्रू दी टेलीफोन लाइन। यानी आप PTCL का नेट लगाया हुआ है आपने, आप उसको मॉडियम को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, आपने स्ट्रॉन्ग फाइबर का लगाया हुआ है, उस केबल के थ्रू जो डेटा जनरेट हो रहा होता है मल्टीप्लेक्सिंग होकर आपके मॉडियम के पास अवेलेबल आ रहा होता है। देन नेक्स्ट डिवाइस है लैन कार्ड। अच्छा मॉडियम में आपको एक और फीचर मिल जाता है कि आप उसको वायरलेसली भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। लैन कार्ड में ये चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती। अब लैन कार्ड को अगर आप इंटरनेट को एक्सेस करना होगा तो आपके लिए केबल की नीड पड़ेगी। अ लोकल नेटवर्क कार्ड इज यूज्ड टू प्रोवाइड द वायरलेस इंटरनेट एक्सेस टू कंप्यूटर यूज इन आवर रूम होम एंड रोमिंग नेटवर्क। आप इंटरनेट के लैन कार्ड की मदद से केबल के थ्रू भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जिसकी मदद आप इंटरनेट पर काफी चीजें सर्च भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टोरेज डिवाइसेस हार्डवेयर की। अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस इज एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर आर डेटा। सम कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी रोम्स एंड पेन ड्राइव यूएसबी, जो को नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज उस वक्त हो रही है। हार्ड डिस्क, what is a hard disk? Hard disk is a magnetic disk which can store the computer data. The term of hardware is used to distinguish of the soft and floppy disks. Hardware जो है वो एक magnetic disk होती है जिसके थ्रू आप अपना डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। अब इस वक्त जो न्यू टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं उसमें आप मैग्नेट के बगैर भी डेटा स्टोर कर रहे होते हैं। चिप बेस्ड जो SSD हार्ड ड्राइव वो चिप बेस्ड ड्राइव होती है, जिसके अंदर मैग्नेट नहीं लगा हुआ होता, उसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं इजीली। फ्लॉपी डिस्क आप फिक्सेबल प्लास्टिक डिस्क कोटिंग विद द मैग्नेट मटेरियल टू कवर द प्रोटेक्ट जैक। फ्लॉपी डिस्क है जो बिल्कुल ये भी मैग्नेट फॉर्म की जगह पर यहाँ पे प्लास्टिक की एक कोटिंग होती है, उसको यूज कर रहा होता है डेटा स्टोरेज करने के लिए, और ये इस वक्त एब्सोल्यूट हो चुकी है। इसकी मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है, नीड नहीं है, इसके काफी रीजन थे, अब ये अवेलेबल डेथ हो चुकी है टोटली। सीडी रोम इज अ डेट सीडी डेट कैन बी रीड बाय अ कंप्यूटर सीडी रोम विद ऑप्टिकल डिवाइसेस। सीडी रोम एक सीडीज के थ्रू में आपको डेटा अवेलेबल हो रहा होता है, जिसकी में आप ऑप्टिकल डिवाइसेस की मदद से डेटा को रीड कर रहे होते हैं अपने कंप्यूटर में। अब यहाँ सीडी के बाद बात की जाए तो इस वक्त जो सबसे कॉमनली यूज की जा रही है वो आपकी USBs और पेन ड्राइव्स हैं, जो जिन्होंने सीडीज को DVDs को इजीली रिपेयर कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। हम एक छोटे से समरी का रिव्यूज लेते हैं पीछे जाके, ताकि हम चीजों को दोबारा से एक बार समझ लें। हार्डवेयर क्या होता है? नॉर्मली हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर डिवाइसेस। अच्छा हार्डवेयर जो होगा वो आपके पास फिजिकल होगा, आप उसको इजिली टचेबल होगा, आप उसको टच कर सकते हैं।
इसमें दो टाइप्स होती है, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर आप वो हार्डवेयर जो आपके कंप्यूटर के अंदर लगे हुए होते हैं, जैसे कि उसकी मदरबोर्ड्स वगैरह में, सप्लाई वगैरह में आप लगे हुए होते हैं, जिसके अंदर सीपीयू होता है, मदरबोर्ड है, रैम है, रोम है, वो आपका प्रोसेसर है, सीपीयू है, जिसका ब्रांड होता है, जिसके इट इज आल्सो ब्रांड ऑफ कंप्यूटर, एंड 80 टाइम ऑफ मल्टीपल टास्किंग परफॉर्म ऑफ द सीपीयू ऑफ लॉजिकल एंड इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मोस्ट ऑफ कैलकुलेशन टेक द प्लेस हियर। जितने कैलकुलेशंस हैं, जितने भी एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, एल्गोरिथम प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे होते हैं, वो सीपीयू में हो रहे होते हैं। मदरबोर्ड जो है वो एक कंप्लीट सर्किट बोर्ड है जो आपके सीपीयू को मैनेज कर रहा होता है, आपके उसके अंदर रैम लगी हुई होती है, उसके ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए होते हैं और बहुत सी चीजें लगी हुई होती हैं। रैम आपकी एक टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी होती है जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हैं, अपना एक्शन परफॉर्म करने के बाद वो डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। रोम ओनली वन टाइम डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि आप कोई भी डेटा होता है उसको वन टाइम डेटा को स्टोर कर देते हैं, उसको बार बार यूज कर रहे होते हैं अनलिमिटेड टाइम दफा। अच्छा, बात कर जाती है, करते हैं हम यहाँ पर इनपुट हार्डवेयर। इनपुट हार्डवेयर कौन कौन से, जब डिस्कस कर चुके हम नॉर्मली इनपुट हार्डवेयर जो घर पे आपके पास सिस्टम अवेलेबल होंगे, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, कैमरा होगा, स्किनर होगा और बहुत सी चीजें हैं। आउटपुट हार्डवेयर जो है वो आपको पता है वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर हो सकता है, वो स्पीकर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। कनेक्टिविटी हार्डवेयर आपके मॉडियम है, लैन है, वाईफाई है, आपके पास ब्लूटूथ है, आईआर है, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं। स्टोरेज हार्डवेयर में आपको आप जहाँ पे डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं ताकि आप वो नेक्स्ट टाइम भी यूज कर पाए, जिसके अंदर आपके एचएस हार्ड ड्राइव होती हैं, आपके डीवीडी रोम्स हैं, सीडी रोम है, आपके पास फ्लॉपी डिस्क सी पहले और काफी और भी यूएसबी हैं। अब यहाँ तक हमने पहले जो डिस्कस किया था, हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि कंप्यूटर क्या है, क्यों जरूरी है, किसके लिए, एंड के लिए चीजों के अंदर नीड पड़ेगी, कंप्यूटर पावरफुल क्यों है। अब आप डिस्कस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। अ सॉफ्टवेयर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट एनेबल अ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर टू वर्क एंड सिंक्रोनाइजेशन वे टू नाउन आर द सॉफ्टवेयर। अच्छा, सबसे पहले ही इन्होंने डिफाइन कर दिया है कि सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्चर है, यानी कि आपके पास सॉफ्टवेयर है उसको एक डेटा का, मीनिंगफुल डेटा का यानी कि इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है जिसमें काफी इंफॉर्मेशन है, वो आपके एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर में आप सिर्फ उसको कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उसको डिवीजन डिवीजन के लिए यूज कर रहे हैं, उसको सप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं कुछ और ये फिजिकल कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है ताकि वो इजीली और बेस्ट वर्किंग कर दे पाए रियल टाइमिंग में। अच्छा, जो सेट ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम ऑफ्टन कॉल्ड अ प्रोग्राम, जो इसको हम जितने भी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं जो सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल होती है हम उनको प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर कैन डज नॉट एनी सक्सेसफुल वर्क विदाउट द इंस्ट्रक्टर फ्रॉम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जब तक कोई काम नहीं कर सकता जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शन ना दें, उसको बताएं ना कि आपको क्या करना है, आपको किस तरह करना है, वो भी आप अगर जब उसको बता रहे होंगे आप सॉफ्टवेयर की मदद से बता रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे बात की जाती है, थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम सॉफ्टवेयर की एंड से कि कुछ की पॉइंट्स को हम डिस्कस। सॉफ्टवेयर आप उसको टच नहीं कर सकते, वो आपके सामने अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप सिर्फ समझ सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, उससे आप रिजल्ट ले सकते हैं, एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक हार्डवेयर है, आपने कैमरा वेब कैम इंस्टॉल किया हुआ है सिस्टम के अंदर, जब भी आप वेब कैम इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो काफी टाइम आपके जो सिस्टम है ऑटोमेटिक ड्राइवर उठा लेता है। जो ड्राइवर्स हैं वो भी हार्डवेयर को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं और ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है।
अच्छा जितने भी इनका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इनको हम आल्सो कॉल कहते हैं प्रोग्राम्स। जैसे कि आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास अवेलेबल होती हैं, सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन अवेलेबल होती हैं, जो सिस्टम है आपका पूरा कंट्रोल चल रहा होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा होता है, जो हम आगे चल के फर्दर डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। कंप्यूटर कैन नॉट बी डू एनी वर्क, यूजफुल वर्क विदाउट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता जब तक आप उसके पास इंस्ट्रक्शन ना हो, उसके पास मीनिंगफुल डेटा ना हो, आप उसको बताएं ना परफॉर्म क्या करना है, आप उसको तब तक कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज आल्सो डिवाइडेड इन फोर मेजर टाइप्स। आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को चार मेजर डिवाइड में कर सकते हैं। जिस तरह हमने पहले हार्डवेयर को डिवाइड किया था एक्सटर्नल इंटरनल, फिर हमने उसको सेकेंडली डिवाइड किया था, हमने उनकी आपने उनको डिवाइड किया, स्टोरेज हार्डवेयर डिवाइड किए थे हमने, हमने वहाँ पर इनपुट हार्डवेयर डिवाइड किए थे, आउटपुट डिवाइड हार्डवेयर डिफाइन किए थे। इसी तरह आप यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और यूनिटी सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज आल्सो डिवाइडेड इन फोर मेजर टाइप्स। जो कंप्यूटर डिवाइसेस होती हैं वो बिल्कुल उनको आप डिवाइड कर सकते हैं इजीली फोर कैटेगरीज में, ताकि आपको इजीली समझ पाए। सबसे नंबर वन कैटेगरी होती है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो होती है वो उसको एप्लीकेशन अपना प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। थर्ड आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं, और यूटिलिटी फोर्थ आपकी यूटिलिटी एप्लीकेशन होती हैं। आप पढ़ते हैं इनके बारे में क्या होती हैं और किस तरह वर्किंग कर रही होती हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सीआर से मैंने कह दिया वो ऐड क्लियर कर दिया, आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उस ग्रुप में आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों को। और सेकेंडली आप वहाँ पर व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं मुझे मुझसे, और गूगल क्लासरूम में आपके पास ये स्लाइड्स अवेलेबल होगी, वीडियोस अवेलेबल होंगी, ताकि आप इजीली वर्क कर पाए। सिस्टम सॉफ्टवेयर, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प इज आर रनिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। द मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो मददगार प्रोवाइड करते हैं, यानी हेल्प प्रोवाइड करते हैं आपके हार्डवेयर को और आपके कंप्यूटर सिस्टम्स को। बेसिकली आपको इस तरह समझ सकते, आप इसको कर सकते हैं कि अगर आपके हार्डवेयर को सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो वर्किंग नहीं कर पाएंगे। जिसको पता ही नहीं चलेगा कि ये वेबकैम है, ये स्पीकर है, ये हार्डवेयर है, जब तक आप उसको डिफाइन ना करें स्ट्रक्चर के मदद से कि इस प्रॉपर्टीज हैं हार्डवेयर की, तो आप कि ये हार्डवेयर होगा, उसके बाद आप वॉइस का काम वर्किंग कर रहा है तो वो माइक होगा, वॉइस इनपुट हो रहा होगा तो माइक होगा, माइक के लिए फिर और डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। अच्छा, अब यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर भी सब कैटेगरीज है, आप उसको भी डिवाइड करते हैं। तो नंबर वन डिवाइस जो कैटेगरी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकंड डिवाइस ड्राइवर्स हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। डिवाइस ड्राइवर्स, अच्छा डिवाइस ड्राइवर्स क्या है आप उस पर डिस्कस करते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स वो हार्डवेयर होते हैं जो आपके हार्डवेयर को कनेक्ट कर रहे होते हैं आपके कंप्यूटर के साथ, आपस में हार्डवेयर की कम्युनिकेशन करवा रहे होते हैं, आपस में हार्डवेयर का डेटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं। उन जो डिवाइस को नीड होती है आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए, उनको हम ड्राइवर कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा पहले जो विंडोज हम करते थे उसमें ड्राइवर नहीं है, भाई हार्ड भाई वेबकैम नहीं चल रहा, उसका रीज़न नहीं, भाई इसके ड्राइवर इंस्टॉल कर दो, या प्रिंटर इंस्टॉल नहीं हो रहा, प्रिंटर नहीं चल रहा तो भाई प्रिंटर के ड्राइवर इंस्टॉल कर दो। का मतलब ये है कि जो के जो स्ट्रक्चर्स हैं, कनेक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन है, आप वो इंस्टॉल कर रहे हैं वहां पर, उसकी परफॉर्मेंस उसकी लेवल्स इंस्टॉल कर रहे हैं। हाँ, डिवाइस ड्राइवर इन कंप्यूटिंग, अ डिवाइस ड्राइवर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम अलाउ द हायर लेवल कंप्यूटर प्रोग्राम टू द इंटरकनेक्टेड विच अ हार्डवेयर डिवाइसेस। देन अब नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर।
it be responsible for manage and coordination of activities and the sharing of limitation of source of resources of computers. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी सारी एक्टिविटीज की, आपके डेटा जो आपके रिसोर्सेज आपस में शेयर करने का में कर सक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपके कंप्यूटर के साथ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑपरेटिंग की सिस्टम की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि विंडो 10 है, विंडो 7 है, ये विंडो XP था इससे पहले, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है. आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं इसके बाद आप कोई और एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने विंडोज इंस्टॉल की है तो आप उसके अंदर आप एडोब्स के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, आप एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, आप ब्राउजर इंस्टॉल करते हैं, आप इसको बेसिकली प्राइमरी सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं. अच्छा अब यहाँ पे जरा डिफरेंशिएट देख लीजिएगा डिवाइस ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम में. अब दोनों तो ये हैं तो बैकग्राउंड में दोनों सॉफ्टवेयर. अच्छा डिवाइस ड्राइवर्स क्या कर रहे होते हैं, वो हार्डवेयर को और आपके सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं आपस में. और ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर और आपको यूजर को कनेक्ट किया जाता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है. इट इज अवेलेबल टू द यूजर स्पेसिफिकेशन टास्क परफॉर्म. फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अच्छा वेब ब्राउजर. अच्छा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से आप अपने पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं. जैसे मैं इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं अब उनको डिस्कस करते हैं. वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर इट्स अलाउ वन टू सर्फर द वेब. फॉर एग्जाम्पल MS Explorer. वेब ब्राउजर आपको अलाउ करता है आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने में और अपने साथ वेब की के डेटा एक्सचेंज करने में, शेयर करने में. जिसकी सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो जो आपके ब्राउजर यूज हो रहा है वो आपका पास क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, काफ़ी और टाइप के ब्राउजर है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ईमेल करनी है, ईमेल करने के लिए भी सबसे पहले आप कहाँ पे जाएंगे, आप अपने ब्राउजर में जाएंगे, वहाँ पे जीमेल टाइप करेंगे, जीमेल टाइप करने के बाद आप उसके जो फील्ड्स हैं वो फील करेंगे, ईमेल देंगे आप वहाँ पर, अब सब्जेक्ट्स देंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे, बॉडीज में सेंड कर देंगे. देन सेकेंड जो इसकी एप्लीकेशन है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं. अलाउ यूजर टू क्रिएट एडिट अ डॉक्यूमेंट. ये यूजर को अलाउ करता है कि आप इस पे अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं, एडिट करें या उनको डिलीट करें, उनमें चेंजिंग्स लाएं, मॉडिफाई करें. फॉर एग्जांपल जैसे पहले हम बुक्स में रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे होते हैं या लेक्चर्स अगर प्रोवाइड होते आपके पास बुक की शेप में होते थे, पर अब क्या आपको मैं स्लाइड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके अंदर टेक्स्ट अवेलेबल है, उसके अंदर मैं एडिट कर रहा हूँ, PPT में जाकर इमेजेस बना रहा हूँ, तो उसका रीजन भी यही है कि उसमें आप टेक्स्ट को इंक्लूड कर रहे होते हैं. जितनी भी वर्ड प्रोसेसिंग का काम है फॉर एग्जांपल उसकी एप्लीकेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, नोटपैड प्लस प्लस है. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. स्प्रेडशीट अलाउ द डॉक्यूमेंट टू परफॉर्म कैलकुलेशन. स्प्रेडशीट्स जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, परफॉर्म करता है कैलकुलेशन की, जिन्हें मैथामेटिकल चीज़ें होती हैं हम उनको कैलकुलेशन करने के लिए, लेजर को डिजाइन करने के लिए हम एक्सेल को यूज़ कर रहे होते हैं. इस एक्सेल जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें कैलकुलेशन परफॉर्म हो उसको हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहेंगे सिंपल. डेटाबेस सॉफ्टवेयर. यूजर अलाउ यूजर टू स्टोर एंड रिट्रीव लास्ट अमाउंट ऑफ डेटा. अच्छा डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपको अलाउ कर रहे होते हैं जो डेटा है यूजर का वो आप इंस्टॉल करें और जब आपको नीड हो तो आप दोबारा से उसको रिट्रीव करें अपने लिए, अपने जो एक्शन परफॉर्म करने के लिए. नॉर्मली इसमें MS Office पैकेज में इसमें MS Access आता है, MongoDB आता है, आप उसको MySQL यूज कर सकते हैं. इन टाइप के सॉफ्टवेयर को आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहते हैं. प्रेजेंटेशन ग्राफिकल सॉफ्टवेयर.
allow user to create a visual representation of action. For example, PowerPoint. आप PowerPoint की मदद से काफी वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि आप उसमें आपने कोई प्रेजेंटेशन बनाई है, आपने अपने चाहते हैं उसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रोवाइड करें, एनिमेशन के साथ प्रोवाइड करें, तो आप उसके लिए यूज करते हैं PowerPoint का। Utility softwares. Utility software help the management of computer hardware application software to perform a small range of tasks. And some typical examples of utility softwares are. Utility softwares आपको help कर रहे होते हैं आपके computer के hardware को और software को manage करने के लिए, और बिल्कुल little amounts of minimum tasks, जो छोटे छोटे tasks को perform करने के लिए, जिसकी मुख्तलिफ types हो सकती हैं utility softwares की। For example, disk defragmentation. It's dictated to computer who be content to store on a hardware disk and disjoint the fragmentation. अच्छा, इसके बाद फिर backup ये टूल्स आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस यूटिलिटी कैन मेक अ कॉपी ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर अ डिस्क एंड रीस्टोर फॉर अनदर डिस्क एंड अनदर फाइल। यहाँ जैसे अगर आप किसी का भी डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं एक से जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए या उसको कॉपी करने के लिए, तो आप उसको बैकअप सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज का यूज कर रहे होते हैं। डिस्क पार्टीशनर। अच्छा, डिस्क पार्टिशनर इज अ इंडिविजुअल डिवाइस इनटू द मल्टीपल लॉजिकल डिवाइस इच ऑन फाइल सिस्टम व्हिच कैन बी माउंट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ट्रीट एज अ इंडिविजुअल डिवाइस। डिस्क पार्टिकुलर्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स होती हैं, वो इस तरह आपकी जो लॉजिक हार्ड डिस्क है, एक हार्ड डिस्क होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं फोर हार्ड डिस्क में। फॉर एग्जाम्पल आपके अगर 500 GB की हार्ड ड्राइव है, उसके चार पार्टीशन डिवाइड हो जाएंगे और ये बिल्कुल अलग परफॉर्म कर रहे होंगे अपनी अपनी फॉर्मेट के हिसाब से, जैसे कि उसका पार्टीशन NTFS भी हो सकता है, FTA भी हो सकता है और GTP भी हो सकता है, और ये बिल्कुल इंडिविजुअल ट्रीट कर रहे होते हैं, बिल्कुल उनका अपना बिहेवियर इंडिविजुअल ही होता है हर डिवाइस की तरह। एंटीवायरस, दोज यूटिलिटीज कैन स्कैन अ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। एंटीवायरस यूज हो रहे होते हैं, जो यूटिलिटीज होती हैं वो आपके कंप्यूटर को वायरस को स्कैन करने के लिए यूज की जाती हैं, जिससे आपके कंप्यूटर को नुकसान ना पहुंचे। फॉर एग्जांपल रैमवेयर वायरस हो सकते हैं, मालवेयर हो सकते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, it is a one of the most commonly now and properly used form of computer software. hum ise computer software bhi keh sakte hain, normally jo is waqt sabse zyada use ko hum jante hain ya samajhte hain to hum wo computer software bhi keh sakte hain. computer software can come form of the tool and assistant program we write a program. programming software वो सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू हम अपने टूल्स को यूज करते हुए किसी चीज़ को, प्रोग्राम को राइट करें, यानी एक्शन परफॉर्म करें, या हम उनको स्ट्रक्चर दें कि अगर आप इस प्रोग्राम ये स्टेप फॉलो करें तो ये टास्क परफॉर्म हुआ। फॉर एग्जांपल अगर आपने वहाँ पे एक छोटा सा टूल बनाया है कॉपी और पेस्ट का, तो आप उस पर जाएंगे तो आप जैसे उस पर कंट्रोल सी करें तो वो कॉपी हो जाए, कंट्रोल वी करें तो पेस्ट हो जाए, और आपके काफ़ी एप्लीकेशन बनती हैं। जितनी भी एप्लीकेशन डेवलप होती हैं वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में होती हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त मार्केट में सबसे जो अच्छे प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो चल रहे हैं वो पाइथन है, पाइथन के आईडीज चल रहे होते हैं, आर्डिनो के आईडीज चल रहे हैं, आपके पास विजुअल स्टूडियो है कॉमनली जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से आप डिफरेंट टाइप के अपने प्रोग्राम्स जनरेट कर सकते हैं और काफ़ी मुख्तलिफ
वर्क अपने एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, ई टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं और अपने एक्यूरेसी की वर्क की बढ़ा सकते हैं। बेसिकली जो टूल्स होते हैं उन द टूल्स डेट हेल्प द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन द टूल डेट हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग इन स्ट्रक्चरिंग अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड टेक्स्ट एडिटर कंपाइलर इंटरप्रेटर। बेसिकली जो उसके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिपेंड करते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिपेंड कर रहा होता है, वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, एक टेक्स्ट एडिटर पे, कंपाइलर पे और इंटरप्रेटर पे। दोबारा से इस एप्लीकेशन को डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो थी ब्राउजर एप्लीकेशन। हमारे ब्राउजर एप्लीकेशन वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं जब हमें वर्ल्ड वाइड वेब को यानी कि www.web को एक्सेस करना हो, वहाँ पर हम ब्राउजर का यूज़ कर रहे होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन करें या क्रिएट करें या जनरेट करें। स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जिनको हम यूज़र को अलाउ करें कि वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करे और साथ साथ उसके अंदर डिफरेंट टाइप की मैथमेटिकल इक्वेशन से या फॉर्मेट या कैलकुलेशन प्रोवाइड करें। डेटाबेस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी हेल्प से वो आपको डेटा को स्टोर करे और लास्ट जब आपको नीड हो तो वो आपको डेटा को दोबारा से रिट्रीव करके दे। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से आप इमेजेस वीडियोस की फॉर्म में आप टेक्स्ट को इम्प्रूव करें और साथ साथ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एप्लीकेशन कंप्यूटर को मैनेज कर हार्डवेयर को मैनेज करने में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट को परफॉर्म करने के लिए वर्क कर रहा होता है। बैकअप जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, बैकअप हम किसी की डेटा को यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। नॉर्मली बैकअप को हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं कि वहाँ पर हम डेटा को स्टोर कर सकें, स्टोर करने के बाद दोबारा से हम उसको किसी और को ट्रांसफ़र कर पाएँ। डिस्क पार्टिशनर, नॉर्मली डिस्क पार्टिशन एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती हैं जो आपके एक ही हार्ड ड्राइव को वर्चुअली चार डिवाइस में पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे आपके चार पार्टीशन कन्वर्ट करते हैं और उन पार्टीशन के हर किसी के अपने एटीट्यूड और अपने बिहेवियर्स होते हैं। एंटीवायरस बिल्कुल वो यूटिलिटीज हैं जो आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं, वायरस को स्किन करते हैं, मेलवेयर्स को डिटेक्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स आपके वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से आप एप्लीकेशंस को जनरेट करते हैं। नॉर्मली आप उस पर प्रोग्राम राइट करते हैं, स्ट्रक्चर राइट करते हैं ताकि डिज़ाइन हो पाए, आपका एप्लीकेशन डिज़ाइन परफॉर्म एक्शन को परफॉर्म कर पाए इजीली। इसके लिए बेसिकली तीन पार्ट होते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट होता है वो टेक्स्ट एडिटर होता है, सेकेंड कंपाइलर होता है, थर्ड इंटरप्रेटर होता है। एडिटर के अंदर आप टेक्स्ट को राइट अप कर रहे होते हैं, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करता है उसकी बाइनरी लैंग्वेजेस में, इंटरप्रेटर जो होता है वो उसके एक्शन को परफॉर्म करता है। और जैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि अभी हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं, इसकी चार बेबेज, चार्ल्स बेबेज जो उन्होंने फर्स्ट एक सिस्टम डिजाइन किया था जो किया था वो एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया था, उसकी इमेज आपके सामने अवेलेबल है। अच्छा अब डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। नॉर्मली हमने अब तक जो डिस्कस किया था, हमने उनका सबसे पहले हमने जाना कि हमारे लिए कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर क्यों इतना फास्ट वर्क करता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। सेकेंड विंग के बाद हमने इसके हार्डवेयर डिफाइन किए, हमने सॉफ्टवेयर डिफाइन किए, अब उसकी जनरेशन को डिफाइन कर रहे हैं हम। नॉर्मली कंप्यूटर की पांच जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट जनरेशन द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन इज 1940 to 1956। द इट इज अ मेन कंपोनेंट
इज अ वैक्यूम ट्यूब बेस, फर्स्ट जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब बेस बनी, सेकेंड जनरेशन, जो सेकेंड जनरेशन थी वो द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन इज अ 1956 टू 1963, ये ट्रांसमीटर बेस थी, डिवाइसेस बने, कंप्यूटर बने इसके अंदर। थर्ड जनरेशन जो है द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन इज 1964-1971, इट इज अ इंटीग्रेटेड सर्किट, इट इज आल्सो कॉल आईसी। यहाँ पर जो थर्ड जो जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें ट्रांसमीटर की जगह पर कंप्यूटर के अंदर सर्किट यानी आईसीज को बिल्ट इन कर दिया गया। फोर्थ जनरेशन, द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन इज 1970-2000, इट इज अ VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस। जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स थे जो 1971 से जो अब तक चल रहे हैं वो VLS टेक्नोलॉजी यानी माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे थे, कर भी रहे हैं। और फिफ्थ जनरेशन, द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन रिप्रेजेंट ऑन द वर्ड USBI बेस माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं फर्स्ट जनरेशन क्या थी और किस तरह से वर्क किया। The period of first generation was 1940 to 1956, जो first generation का period था 1940 से लेकर 1956 तक था। The computer of those generation used vacuum tube as the basic components of the memory and circuitry for you CPU. उस वक्त के जो सेकेंड फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब को एज ए प्राइमरी कंपोनेंट मेमोरी और सर्किटरी के लिए यूज किया जाता था आपके एज ए सीपीयू। अक्सर आपके जो पिछले पुराने टीवी थे उसके अंदर आपने देखा होगा कि बड़ी स्क्रीन होती थी, वैक्यूम ट्यूब बनी हुई होती थी। दोस ट्यूब लाइस अ इलेक्ट्रॉनिक बल्ब प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट एंड वेयर frequently fusing of the installation. There are very expensive and would be not afforded by only by a large organization. ये ट्यूब से बिल्कुल एक बल्ब की तरह थी जो एक काफी हीट पैदा करते थे, साथ साथ वो फ्रीक्वेंटली फ्यूज भी हो रहे होते थे इंस्टॉलेशन के दौरान ही। काफी एक्सपेंसिव था और कोई छोटी या मिड स्मॉल कंपनी इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, इसके लिए ये बड़ी कंपनी सिर्फ इसको अफोर्ड करती थी। इन दी जनरेशन मेनली बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वे आर यूज। जो इन जनरेशन थी उसमें सिर्फ जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे वही यूज हो रहे होते थे। इन दिस जनरेशन पंच कार्ड, पेपर टेप एंड मैग्नेट टेप इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस आर यूज। इस जनरेशन में पंच कार्ड, पेपर टेप और मैग्नेट टेप को यूज किया जाता था इनपुट और आउटपुट के लिए। There are machine codes and electronic wire board language use. अच्छा इसके features अब discuss कर लेते हैं। ये vacuum tube technology थी, unreliable थी, हाँ supporting machine language only थी, very costly थी, generate lot of heat, slow input और output devices थी, huge size था, नीट था एसी का और नॉन पोर्टेबल थी और कंज्यूम ऑफ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से अब उनके बारे में जो उनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं हम, तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी बेस्ट थे, अनरिलायबल थे, अनट्रस्टेबल थे, कभी भी फ्यूज हो सकते थे और
वेरी कॉस्टली थे और हीट ज़्यादा जनरेट करते थे, इनपुट आउटपुट स्लो थे, यूज साइज के होते थे, उसको नीड थी अल्ट्रा एयर कंडीशनर की, और नॉन पोर्टेबल थे, आप उसको एक से दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकते थे, और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ही कंज्यूम करते थे। अब आपके सामने जो एक पिक्चर डिस्प्ले हो रही है वो सम कंप्यूटर हैं, वो यूज बने थे इस जनरेशन में, ईडी आईएसी, ईडी वीएसी, यूएन, यूएन आईवीईसी, आईबीएम 710, IBM 610 आपके सामने मशहूर अवेलेबल है। आप सिस्टम की साइज को देख सकते हैं, ये जो आपके सामने फर्स्ट इमेज लगी हुई है ये यूवी यूएन आईवीएसी की है, ये वाली जो इमेज है यहाँ पे ये अवेलेबल आपके सामने ENIAC की है। जो सेकंड जनरेशन के जो सिस्टम थे स्टार्ट जो टाइम पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन वाज 1956 टू 1963। जो सेकंड जनरेशन जो है उसका टाइम पीरियड 1956 से 1930 तक है। दिस जनरेशन यूजिंग द ट्रांसलेटर वेयर चीपर कंज्यूमिंग लेस पावर मोर इम्पैक्ट इन साइज मोर रिलायबल faster than first generation machine made by vacuum tube। इस generation के जो computer थे वो translator based थे, जो काफ़ी सस्ते थे, लो पावर कंज्यूम करते थे, साइज में बहुत छोटे थे, मोर रिलायबल थे और फास्ट थे पहली जनरेशन के कंप्यूटर से जो बने हुए थे वैक्यूम ट्यूब से। इन दिस जनरेशन द मैग्नेट कोर आर यूज एज अ प्राइमरी डिस्क and magnet tape and magnet disks are the secondary storage disks। इसके अंदर सबसे जो प्राइमरी में जो मैग्नेट कोर की मदद से जो उसकी बनाई गई रैम थी पहली मेमोरी बनाई गई थी, और सेकेंडली इसमें जो यूज हो रहा था वो मैग्नेट टेप थी, मैग्नेट डिस्क थी जिसके थ्रू आप उस पर डेटा स्टोर कर सकते थे, जैसे कि आपकी वीसीआर थी, आपकी ऑडियो टैप की केस थी, इस टाइप की थी। इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज इज असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फोर्ट्रॉन एंड कोबल आर यूज। अच्छा, इस जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता था। देयर आर बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूज। जब हमने पिछली फर्स्ट जनरेशन पढ़ा था वो सिर्फ ओनली बैच प्रोग्रामिंग था, जिस चीज के लिए बनाया गया उसी पे परफॉर्म करेगा। यहाँ पर ये था कि वो सिर्फ बैच प्रोसेसिंग के साथ वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर सकता था। अब इसके फवाद या इसके जो फीचर्स क्या थे तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। यूज ऑफ ट्रांसलेटर रिलायबल एज अ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, स्मॉल साइज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जनरेट लेस हीट एज अ फर्स्ट to compare general computer, less consume less electricity as a comparison of first generation computer, faster than first generation computer, still very costly, and AC need a machine support and machine language, support machine and assembly language। अब यहाँ पे वो discuss करते हैं कि उसके लिए वो इसमें यूज़ किए जाते थे। अब वैक्यूम ट्यूब की जगह पर अब यहाँ पर ट्रांसमीटर यूज़ किया गया। अब ये सस्ता तो था, रिलायबल भी था फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में, साइज में कंपेरिजन भी था, हीट भी कम रिड्यूस करता था, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कम यूज़ कर रहा था, और फास्ट था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, पर अभी भी ये एक्सपेंसिव था, अभी भी इसको एसी की नीड थी, अभी भी ये इसको सपोर्ट थी, नीड थी मशीन और सब लैंग्वेज की। अब आपके सामने कुछ इमेजेस अवेलेबल हैं, ये IBA का 1620 है, IBA 70194 है, CDC है 160 है, CDC 3600 है, UNIVAC
118, उस वक्त सेकंड जनरेशन के ये मॉडल थे जो उस वक्त यूज होते थे कंप्यूटर के लिए, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज 1964 to 1971। दिस जनरेशन कंप्यूटर इज अ मार्केबल यूज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इन द प्लेस ऑफ ट्रांसमीटर। अ सिंगल आईसी एज अ मेनी ट्रांसमीटर रजिस्टर कैपेसिटर अलोंग विद एसोसिएटेड सर्किटरी। अच्छा, जैसे फर्स्ट टाइम थर्ड जो टाइम पीरियड जो है थर्ड जनरेशन का वो 1964 से लेकर 1971 तक था। इसके अंदर कंप्यूटर में आईसीज का यूज किया गया था ट्रांसमीटर की जगह पर। एक सिंगल आईसी में बहुत सारे ट्रांसमीटर थे, रजिस्टर्स थे, कैपेसिटर्स थे और डिफरेंट टाइप की सर्किटरी अवेलेबल थी। आईसी वॉज इन्वेंटेड बाय जैक केल्बी केबी। दिस डेवलपमेंट मेड बाय कंप्यूटर स्मॉलर साइज रिलायबल एंड इफेक्टिव। In this generation, remotely processing, time sharing and real-time multi-programming operating system are used. इस generation में remotely processing हो पाई, यानी कि आप एक से दूसरी जगह पर बैठ के आप सिस्टम को कंट्रोल कर सकते थे, आप टाइम शेयरिंग कर सकते थे, आप रियल टाइम पे मल्टी टास्किंग काम वर्क कर सकते थे, आप दो या तीन चीजों को एट ए टाइम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते और रिसीव भी कर सकते थे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग, इस जनरेशन के फायदे ये थे कि आईसी यूज था, मोर रिलायबल था, स्मॉलर साइज में था, जनरेशन लेस हीट था, फास्टर था, लेस मेंटेनेंस था, पर स्टिल कॉस्टली, एसी नीड कंज्यूम लेजर इलेक्ट्रिसिटी, सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब इसमें ट्रांसमीटर की जगह पे आईसी यूज की गई थी, ज्यादा रिलायबल था, साइज में इम्पेक्ट हो गया, हीट भी कम जनरेट करता था, फास्टर भी था सेकंड जनरेशन से, मेंटेनेंस भी करना इजी था, पर अब भी इसकी कॉस्ट ज्यादा थी, एसी की नीड ज्यादा थी और कंज्यूम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी अभी भी थी ज्यादा। अब कुछ मॉडल हैं, सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वेयर IBM 360 सीरीज, हनी वेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 371 एंड 168 या DTC 316। फोर्थ जनरेशन, द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉज 1971 टू प्रेजेंट। फोर्थ जनरेशन है उसका आज भी वर्क कंटिन्यू है 1971 से, जितने कंप्यूटर्स आए। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ऑफ इज अ मार्केबल यूज आर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर सर्किट। इसके अंदर VLIC यूज की गई थी, जिसमें जैसे कि हमने वहां पे जो पढ़ा था कि आईसी जो थी वो इसके अंदर कंप्लीट प्रोसेसर को यूज किया गया था। एक VLSI सर्किट है about 5000 transmitter and other circuitry element the associate circuit on a single chip, it made possible to microcomputer for generation। A VSL circuit se uske andar 5000 transmitters aur another element circuitry ke available the jo associated the sirf ek single chip mein, jiski madad se for microcomputer for generation ke generate ho paye। Fourth generation computers has become a more powerful, impact, reliable and affordable. It give rise to personal computer and PC revolution. जो fourth generation के computers थे वो ज़्यादा powerful थे, impact थे, reliable थे, affordable थे, जिसे हम आजकल PC computer के नाम से या PC revolution के नाम से भी जानते हैं। अब फीचर्स की बात की जाती है, अब यहाँ पर VLSI यूज टेक्नोलॉजी यूज करते थे, वेरी चीप थी, बहुत सस्ती थी, पोर्टेबल थी, रिलायबल थी, आप इसको एक दूसरी जगह मूव कर सकते थे,
उसको कंप्यूटर्स के अंदर पर्सनल पीसीज में यूज कर सकते थे, पाइपलाइन प्रोसेसिंग कर सकते थे, इसके अंदर एसी की जो नीड नहीं थी। हमने फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इंटरनेट का, हम इसके अंदर डेवलप किया, हमने सबसे पहले फर्स्ट टाइम नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट किया और कंप्यूटर को बिकम इजीली अवेलेबल करवाया। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वेयर DEC10*1000DPP1 and C-ray and X-ray. Fifth generation, the most important generation we are, the period of fifth generation computer is a present until the date. जो अब जो fifth generation है अभी तक जारी है, जितना हम चल रहे हैं, fifth generation जो है वो यूज कर रही है VLS technology become is a ULS यानी ultra large scale integration technology. Resulting in the production of the microprocessor chip have a 10 million electronic component in a single chip. यानी कि एक चिप के अंदर हमारे पास 1 crore से ज्यादा components available हैं, जिसकी वजह साइज की रिड्यूस हुई, पावर लो कंज्यूमिंग कर पाया, हीट कम रिड्यूस कर रहा है और ज्यादा फास्ट है कंप्यूटर। दिस जनरेशन इज द बेस ऑफ द पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। इस जनरेशन की मदद से हम पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं हार्डवेयर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर पर वर्क कर सकते हैं। AI इज द इमर्जिंग ब्रांच ऑफ द कंप्यूटर साइंस विच कैन इंटरप्रेटर मीन्स द मेथड ऑफ मेकिंग द कंप्यूटर थिंक एंड लाइक ह्यूमन। AI एक इमेजिन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस की एक इमेजिन ब्रांच है, जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर्स को थिंक्स और लाइक्स करवा सकते हैं की मदद। अच्छा, अब इसके डिस्कस करते हैं फ्यूचर। ये नोरेबल नेटवर्क था, यानी कि आप अपनी समझ रखता था, गेमिंग प्ले कर सकते थे, डिप्लॉय कर सकते थे, आप एक्सेप्टेबल सिस्टम को यहाँ पर डिस्कस कर सकते, रियल टाइम सिमुलेशन को, नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते थे हम, US टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, डिप्लॉयमेंट कर सकते टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अच्छा, जो आजकल की सबसे एग्जांपल है, सम कंप्यूटर्स हैं जनरेशन डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटपैड एंड अल्ट्राबुक। इट्स द फाइनल स्लाइड, फर्स्ट जनरेशन कंपैरिजन बिटवीन फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। अच्छा, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हो रही थी, सेकंड में ट्रांसमीटर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पीड की बात किया था, फर्स्ट स्लोएस्ट था, सेकंड स्लो था, थर्ड मीडियम, फोर्थ फास्टर एंड फिफ्थ फास्टेस्ट है। थर्ड साइज की बात की जाए, फर्स्ट कंप्यूटर काफी बड़े होते, लार्जेस्ट थे, फिर लार्ज हुए, फिर मीडियम, देन फोर्थ में वो स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। इस वक्त आपके हाथ में पूरा कंप्यूटर है। रिलायबिलिटी के ऑप्शन से ऑपरेटिंग सिस्टम थे, फर्स्ट के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, सेकंड के अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज हो रहा था, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे थे। फर्स्ट में मशीन लैंग्वेज थी, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज थी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में हाई लेवल लैंग्वेज थी। फर्स्ट का जो पीरियड था 1940 से लेकर 1956 तक था, फिर 1956 से सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हुई और 1963 में एंड हुई, 1964 से लेकर 1971 तक फोर्थ जनरेशन, 1971 से लेकर फिफ्थ जनरेशन। थैंक यू फॉर गिविंग फ्रॉम दिस टाइम, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल बी इम्प्रूव वीडियो क्वालिटी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और ग्रुप में कोई भी चीज़ आपको समझ में ना, आप मुझे उसके वॉइस नोट के बनाकर मुझे शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।